हेलो गाइस, वेलकम टू अगेन यात्रा व्लॉग्स। और ये मेरे सामने आप देख रहे हो, ये हजारों फूलों से बनाई गई तितली। ओह माय गॉड। और गाइस, ये जो आप देख रहे हो हंसता हुआ एक प्यारा सा गमला, आज आपको ये भी देखने को मिलेगा। और गाइस, अभी जो आप देख रहे हो इसके अंदर अपनी मुंडी घुसा के बहुत अच्छे से पिक्स खिंचवा सकते हैं। तो आज के जो टूर होने जा रहा है वो मैजिकल गार्डन का है। तो गाइस, वीडियो का मेन पार्ट यहाँ से स्टार्ट होता है, क्योंकि आप पहुँचोगे कैसे। तो ये ओम शांति के पीछे है ना, और ये गेट है। ओम शांति के पीछे वाला जो है ना रोड, जहाँ से अपने लोग मुकुरी मंदिर जाते हैं वो, और ये इसका गेट है। और ये यहाँ से अपने जा सकते हैं वो सोलर प्लांट। तो आई होप आपको ये आइडिया समझ में आओगे यहाँ पर कैसे पहुँच सकते हैं। तो गाइस, जैसे अपने लोग एंटर होते हैं ना, तो कुछ ऐसा देखने को मिलता है। उसका इस जगह का नाम है ज्ञान सरोवर, जो कि ओम शांति के अंदर आई हुई है। और ये संडे को ही ओपन होती है। आबू रोड सिटी से मात्र 7 या 8 किलोमीटर दूर, ज़्यादा दूर भी नहीं है। और अभी आप इन्जॉय करो ये पूरा इसका टूर, कि ये जगह है यहाँ पर। सो गाइस, अभी मैं आपको एक बहुत अच्छी चीज़ घुमाने जा रहा हूँ, जिसके अंदर मैं कुछ बोलूँगा नहीं, बकबक नहीं करूँगा। सिर्फ आप इन्जॉय करिए इस चीज़ का, ओके। और बताना कमेंट में कैसा लगा। सो गाइस, कैसी लगी आपको वो शूज़, वो साइकिल्स, वो डॉल पूरी ग्रीन एंड वो बटरफ्लाई एंड वो पंख, कैसे लगे कमेंट में बताना। ये बहुत, ये सारी के सारी फ़ोटोशूट के लिए सबसे बेस्ट प्लेस मानी जाती है, सबसे बेस्ट प्लेस। और ये अभी हम जा रहे हैं अंदर, और अंदर भी बहुत ब्यूटीफुल सा गार्डन है। उसकी मेरे को डिज़ाइन बहुत अच्छी लगी, जैसे कि अभी आप देखिएगा, मैं आपको दिखा रहा हूँ। ऐसे देखो, बहुत बढ़िया सी डिज़ाइन है। एंड अंदर बहुत सारे, मतलब इन्होंने पहना के रखे, जैसे देखिए ये इंडियन आर्मी के लिए। एंड सेकेंड, ये मुझे बहुत अच्छा लगा, एक बहुत ब्यूटीफुल सा एकदम सीन इन्होंने दे रखा है, गार्डन्स मोर वगैरह, बहुत अच्छा लगा मुझे। सबसे बेस्ट मुझे ये, इधर सारे इक्वल हैं हम, वो दिखाता है इसके अंदर सब। देखो कितना ब्यूटीफुल सा लगा, बहुत अच्छी थी ये चीज़। और ये देखो इन्होंने डिज़ाइन कितना मस्त दे रखा, मुझे काफ़ी पसंद है। आप लोग इधर ज़रूर विज़िट करो, ज़रूर विज़िट करो एक बार, और बहुत ब्यूटीफुल सा लगा मुझे यार। मुझे ये लगा कि गार्डन बस इतना ही होगा, लेकिन जब मैं संजय पार्क में आया ना, तब मुझे दिखा कि क्या गार्डन है यार उधर। तो और भी अच्छी अच्छी थी चीज़ें, जैसा आप ये देखिए। ये जो आप सामने देख रहे हो ना, ये इनमें आप फोटो भी खिंचवा सकते हो अपनी। इंटरेस्टिंग चीज देखी है, अगर किसी को विश हो ना कि मुझे रथ में पिक खिंचवानी है, तो वो भी यहाँ पे आके पूरी हो सकती है। मैं सामने देख रहा हूँ रथ, इसके अंदर आप पिक क्लिक करवा सकते हो अपनी। एंड गाइस, देखिए अब क्या गार्डन है यार, बहुत ब्यूटीफुल सा गार्डन है। अरे
हर मतलब हर जानवर है यार यहाँ पे, सब इन्होंने बहुत ब्यूटीफुल से, और इधर बैठने का भी काफ़ी अच्छा बना रखा है इन्होंने, और पानी की भी फैसिलिटी है, सब चीज़ की फैसिलिटी, फैमिली के साथ में आ सकते हो, सबसे बेस्ट प्लेस है। और आप देखिए किस तरीके से ब्यूटीफुल सा बना रखा है, एंड थोड़ा सा गार्डन एंजॉय हो जाए अब। अभी मैं नीचे उतर रहा हूँ, और नीचे उतरते ही मुझे वो देखो वो वाटरफॉल दिखे, लेकिन ये सिर्फ शाम को चलते मैंने पूछा था, शाम को यहाँ पे कुछ अलग ही माहौल होता। और ये देखिए मुझे क्या दिखा, सिम्बा, इसकी पूरी फैमिली दिखी मुझे बहुत अच्छे से। और गैस ये देखिए ऐसा बना रखा है, उधर भी बैठने का है, और नीचे जाके उतर के सीधे उस गेट से आप निकल सकते हो बाहर। तो आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।